नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डेटा मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इच कंटेंट राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव। जो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए कंटेंट राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है? बिना कंटेंट राइटिंग का क्या वो अच्छा कैरियर नहीं बना सकते एसईओ में? तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एसईओ जो अभी के टाइम का प्रचलन है एसईओ का, वो टोटली कंटेंट बेस्ड हो चुका है। आपको भी ये चीज़ पता होगी अगर आप एसईओ में काम करते हैं। तो इस बिहाफ पे कहा जा सकता है कि अगर एक एसईओ पर्सन अच्छा कंटेंट राइटिंग भी करता है तो उसका करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है एसईओ में। और अगर कोई एसईओ पर्सन जो कि सिर्फ स्ट्रेटजी को बनाता है, उसको कंटेंट राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है कि वो कंटेंट किस तरह से क्रिएट करे, तो वो टोटली डिपेंड होना पड़ता है कंटेंट राइटर के ऊपर। क्योंकि एसईओ एक ऐसा टर्मलॉजी है जहाँ पे आपको हमेशा खुद से कुछ ना कुछ जाकर के लिखना ही पड़ता है। आपको हमेशा यूनिक लिखना है, कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, ट्रस्टवर्दी लिखना है, ऑथेंटिक लिखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एसईओ के लिए क्राइटेरिया होते हैं एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए। अगर आपके पास ये स्किल होता है तो आप बेहतर तरीके से बैकलिंकिंग के टाइम में भी अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको टोटली डिपेंड होना पड़ता है कि अगर कोई कंटेंट राइटर आपको लिख करके कंटेंट देगा तभी आप उन चीज़ों को पब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हमेशा राइटर आपके हेल्प के लिए खड़े नहीं होते। आप चाहे जितने भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास हर एक एक्टिविटीज के लिए कंटेंट आपकी कंपनी नहीं दे सकती है। लाइक जो सिर्फ लिंक बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, बैकलिंक्स वगैरह की बात करूं, तो जहां पे आर्टिकल सबमिशंस की बात होती है, गेस्ट पोस्टिंग्स की बात होती है, ब्लॉग की बात होती है, वहां पे राइटर आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ लिंक सबमिशंस की चीज़ें होती हैं, वहां पे जाकर के एक एक पैराग्राफ आपको खुद से लिखना पड़ता है। और वो पैराग्राफ अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं तो वो बैकलिंक किसी काम का आपका होगा नहीं, वो स्पैम में चला जाएगा और हो सकता है कि गूगल उसको इंडेक्स भी ना करे। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो चैलेंजेज है, वो आपको फेस करना पड़ता है अगर आपको कंटेंट राइटिंग अच्छा नहीं आता है तो। ठीक है, और इवन कि आप अगर डिपेंडेंट हैं कि आजकल चैट जीपीटी या फिर एआई के थ्रू आप कंटेंट को लिख पाए, तो वो भी काफ़ी मुश्किल वाला काम होता है। आप एसईओ में उन सारे कंटेंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसईओ में यूज करने के बाद क्या होता है कि उस तरह की कंटेंट गूगल के द्वारा स्पैम में डाल दिया जाता है और वो इंडेक्स भी नहीं किया जाता है। तो आप टोटली डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते उस तरह के कंटेंट को लेकर के कि आप एआई से जनरेट कर लें, उसके बाद जाकर के यूज कर लें। एआई से जनरेटेड कंटेंट को आप सोशल मीडिया में गूगल एड्स वगैरह के लिए, एड कॉपी लिखने के लिए, लैंडिंग पेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एसईओ पर्सन को अच्छा एक राइटर होना भी जरूरी होता है। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल है तब जाकर के आप अच्छा एसईओ कर पाते हैं। क्योंकि आप अगर राइटिंग स्किल नहीं है तो मेरे ख्याल से जब आप लिख नहीं सकते तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ भी नहीं सकते। तो जो कंटेंट ऑलरेडी पेज में लिखा हुआ है या ब्लॉग में लिखा हुआ है, अगर आप उनको खुद समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप क्या ऑप्टिमाइजेशन करेंगे फिर? तो पढ़ना और लिखना दोनों ज़्यादा जरूरी है अच्छे तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, चीज़ों को समझें और आप अच्छे तरीके से लिखें भी। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर आप लिख नहीं सकते तो आप ढंग से उसको समझ भी नहीं पाएंगे, और आप नहीं समझेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन का तो उसका फिर वाट लग जाएगा। तो आप बेहतर तरीके से एसईओ में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप लगातार इम्प्रूव करिए, प्रैक्टिस करिए लगातार। मैं बार बार बात करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, और उतना अच्छा आपका राइटिंग स्किल हो सकता है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ डिजिटल मार्केटर परफेक्ट, हम लोग लगातार इसकी बात करते हैं। तो अगर आप एसईओ में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपके कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि जो लिखा हुआ है कंटेंट उसको आप अच्छे तरीके से समझें फिर उसको ऑप्टिमाइज करें। और अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन डेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।